फ्रेंड, मैं कीर्ति परोहा 10th इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। और बच्चों, आपकी जो टेक्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसके अंतर्गत आज हम शुरू जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 1 और 2 हमने बहुत अच्छे से समझ लिया था, उसके क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए थे। तो चलिए बच्चों, आज शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का नाम है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, उड़ने के बारे में 2 कहानियां, यानी 2 कहानियां किसके बारे में, उड़ने के बारे में। अब इसके जो राइटर हैं वो है लियम ओ फ्लाहर्टी, ये इनके राइटर हैं और इनके लेखक का चित्र यहाँ पर दिख रहा है। अब हम यहाँ पर बच्चों अपना चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों, हम इस चैप्टर को समझना चालू करेंगे तो इसके पहले उड़ना मनुष्य की शुरू से ही एक ख्वाहिश रही है, एक इच्छा रही है कि वो आसमान पर पंछियों की भांति उड़ सके। उसके लिए उसने तरह तरह के प्रयास किए, एरोप्लेन का आविष्कार तक कर डाला। लेकिन कहानी है वो है एक यंग सीगल बर्ड जो होती है उसके उड़ने से लेकर के संबंधित कहानी है। तो अब हम इसको पहले रीड करेंगे, लेकिन इसके पहले आप अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लें और जिस प्रकार से मैं रीड कर रही हूँ उस प्रकार से आप रीडिंग की कोशिश करें और इसका अर्थ समझते चलते हैं। तो पहली स्टोरी है, द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। ही हैड अफ्रेड टू फ्लाई विद देम। समहाउ व्हेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेज एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज, ही बिकेम अफ्रेड। अब यहाँ पर बता रहा कि एक युवा सीगल पक्षी जो रहता है लेज, यानी जो एक पहाड़ रहता है, पक्षी अक्सर घोंसले कहाँ बनाते, पहाड़ों पे बनाते हैं, तो पहाड़ से जो निकली हुई एक चट्टान रहती है उसको लेज उसने यहाँ पे बोला है। इस चट्टान के वहां पर उसका परिवार, जो सीगल का फैमिली थी वो रहती थी, तो उसमें से जो यंग सीगल था वो वहां पर अकेला बैठा हुआ था। उसके 2 भाई और उसकी बहन एक दिन पहले ही उड़ान भर चुके थे, मतलब वो उड़ना सीख चुके थे, वो लोग उड़ने लगे थे। He had been afraid to fly with them, लेकिन उसको अभी भी अपने परिवार, अपने बहन के साथ उड़ने में क्या लग रहा था, डर लग रहा था। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. अब क्या होता था, जैसे ही वो कोशिश करता था इस लेज पर, ब्रिंक यानी मुहाने तक जाने तक की, वहां तक बहुत अपने पंखों को में भी बहुत हिम्मत और बहुत साहस भरता था कि किसी प्रकार से वो उड़ सके, लेकिन इसके बाद भी वो क्या हो जाता था, डर जाता था। वो क्यों डरता था, द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ, यानी नीचे, क्योंकि नीचे उसको बहुत विशाल विस्तारित समुद्र दिखाई दे रहा था। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, और वो बहुत लंबा, इतना कि मीलों दूर फैला हुआ समुद्र उसको दिखाई देता था। He felt certain that his wings would never support him. उसको ऐसा लगता था कि उसके जो पंख हैं सीगल के वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे उड़ने के लिए। So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept एट नाइट। इसलिए क्या करता था, उसको डर लगता था, वो कोशिश करता था उड़ने की, लेकिन उसको ऐसा लगता था कि नहीं, मेरे पंख जो है वो मुझे उड़ने में सहायता नहीं करेंगे, कहीं मैं गिर ना जाऊं। इसलिए वो क्या करता था, वो ना जो इस लेज के वहां पर एक होल था जिस पर पक्षी अधिकतर रहते हैं, उसके अंदर घुस करके सो जाता था रात में। इवन वेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर हूज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन रन टू द ब्रिंक flapped their wings and flew away. He failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. His father and mother had come around. अब यहाँ तक देखें तो जब क्या था, उसके दोनों भाई और उसकी जो बहन थी वो उड़ान भरने लगे थे, लेकिन वो सीगल जो है, यंग सीगल, अभी उड़ान भरने में सक्षम नहीं हो पाया था। जैसे ही वो कोशिश करता था वो डर जाता था और वापस अपने उस लेज में आकर के उस होल के अंदर सोता रहता था। जबकि उसके जो भाई और उसके जो लिटिल सिस्टर थी, उनके जो पंख थे इसके मुकाबले बहुत छोटे थे, लेकिन फिर भी वो उड़ने लगे थे, लेकिन ये उड़ नहीं पा रहा था। वो बहुत कोशिश करता था लेकिन उसमें सफल नहीं हो पा रहा था। नेक्स्ट देखें बच्चों, हिज मदर एंड फादर कॉलिंग हिम श्रीली, अपब्रेडिंग हिम
threatening to let him starve on his leaves unless he flew away. But for the life of him, he couldn't move. अभी threatening है ना फटकार लगाना, डांटते हैं ना अपन अपने छोटे लोगों को, जब वो ढंग से काम नहीं करते तो क्या करते हैं, उनको डांटते हैं, धमकी देते हैं। इसी प्रकार के उसके जो मम्मी पापा थे, उसके जो पेरेंट्स थे सीगल के, वो भी उसको बहुत चिल्लाते थे, बहुत तीखा बोलते थे, और ये बोलते थे कि उसको छोड़ देंगे भूखा अगर वो ढंग से मूव या उड़ना नहीं सीखेगा। दैट वॉज 24 आवर्स एगो। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विथ His brothers and sisters. अब क्या बोलते हैं, 24 घंटे पहले ही कोई भी जो उसके ब्रदर सिस्टर या उसके पेरेंट्स थे, कोई भी उस सीगल के पास नहीं आया। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोल दिया था यदि तुम उड़ना नहीं सीखोगे तो तुमको खाने को भी नहीं मिलेगा और हम तुम्हें यहाँ भूखों मरने के लिए छोड़ देंगे। तो 24 घंटों के दौरान कोई भी उसके पास नहीं आया। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर एंड सिस्टर। और उस दिन से वो पूरे दिन किसको देखता रहा? अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता को, अपने भाई और बहन को, कि वो आए और उसके साथ रहें। परफेक्टिंग डैम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, टीचिंग डैम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश। अब उसके माता पिता क्या उसको हमेशा बोलते थे और अपने बच्चों को भी क्या सिखा रहे थे कि किस प्रकार उनको उड़ना है, किस प्रकार को उनको जो समुद्र की लहरें हैं उनके साथ अपने आप को मैनेज करना है और फिश को पकड़ना है। फिश को क्यों पकड़ना? ताकि वो भोजन उससे प्राप्त कर सके। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on a rock while his parents circled around raising a proud cackle. And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite, taunting him with his quades. अब यहाँ पर कायरता, quades का मतलब होता है कायरता। अब बच्चे यहाँ देखो कि उसके भाई बहन, उसके माता पिता सब क्या कर रहे थे, बहुत अच्छे से ऊंची ऊंची उड़ाने भर रहे थे। और उसका जो एक भाई था, उसके भाई ने सबसे पहला शिकार किया हेरिंग फिश। हेरिंग फिश को क्या कर लिया उसने? पकड़ लिया और उसको पकड़ के उसको खाना भी सीख गया। लेकिन ये जो यंग सीगल है वही, तो उसको देख करके उसके भाई, उसकी बहन, उसके मम्मी, उसके पापा उसको चिढ़ाते थे, कह रहे तुम कायर हो, तुम अभी भी नहीं उड़ना सीख पा रहे हो, तुम अभी भी आगे बढ़ना सीख नहीं पा रहे हो। नेक्स्ट देखें बच्चों। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ। ही फेल्ट the heat because he had not eaten since the previous nightfall. क्या हो गया था कि जो सूर्य था, जैसे जैसे सन था वो ऊपर की ओर आ रहा था आसमान में, और उसके चमकदार रोशनी के कारण दक्षिण की तरफ उसकी बढ़ रहा था। He felt that heat because he had not eaten since the previous nightfall. और उस नन्हे जो यंग सीगल है उसको क्या लग रही थी? भूख लग रही थी, और उसके कारण उसको गर्मी भी तेज महसूस हो रही थी क्योंकि उसने पिछली रात्रि से कुछ भी नहीं खाया था। He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing. He closed one eye then the other. अब क्या बता रहा है कि वो धीरे धीरे चल करके लेज के पास वो सीगल आता है, ब्रिंक ऑफ द लेज उसके किनारे तक पहुंच जाता है, और वहां पर अपने एक पैर पे दूसरा पैर ऐसे छुपा करके पंखों के बीच में रखता है और अपनी आंखें एक आंख बंद कर लेता। ऐसा क्यों करता है? अब इसका देखें हम आगे की आगे क्या होता है। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेटो डॉजिंग विद देयर हेड संक इनटू देयर नेक्स। मतलब यहाँ पर वो क्या कर रहा था, एक पैर के ऊपर एक आंख बंद करके देख रहा था कि शायद कोई उसको नोटिस करे, उसके मम्मी पापा या उसके भाई बहनों में से कोई उसको देखे, लेकिन कोई भी उसको नोटिस नहीं कर रहा। यहाँ प्रिटेंड मतलब दिखावा। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau dozing with their heads sunk into their neck. अब वो देख रहा था कि उसके जो दो भाई और उसकी जो बहन थी वो अपने जो नेक यानी गर्दन के वहां पर अपना ऐसा
सिर छुपाकर बैठे हुए हैं। His father was cleaning the feathers of his white bat. उसके जो पिता थे वो उसके जो व्हाइट पीछे पीठ पे जो व्हाइट कलर के फेदर्स थे उनको सहला रहे थे। Only his mother was looking at him. सिर्फ उसकी माँ उसको देख रही थी। She was standing on a little high hump on the plateau. Her white breast thrust forward. उसकी जो माँ थी वो कहाँ बैठी हुई थी? प्लेटो के एक पठार पर बैठी हुई थी और उसमें जो उसकी छाती पर सफेद जो सीना था सफेद पंखों वाला वो उभरा हुआ था। नाउ एंड अगेन शी टोर अ पीस ऑफ फिश। और अब वो क्या कर रही थी? एक मछली पकड़ी हुई थी और उसको क्या कर रही थी? तोड़ रही थी, मतलब खींच रही थी, उसको ब्रेक कर रही थी। एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बैक ऑन द रॉक। और चट्टान पर बैठ करके वो मछली को लेकर के चीर रही थी उस मछली को। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम। और खाने को देख करके वो यंग सीगल क्या, क्योंकि वो भूखा था तो क्या कर रहा था? पागलों की तरह कर रहा था। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। अब वो सोच रहा था कि मैं कितने अच्छे से खाना खाता था, फिश कितने अच्छे से खाता था, कैसे उसको मैं चीरा करता था, कैसे उसकी माँ अपनी बीक यानी अपनी चोंच को अगेन अगेन उस पर घिस रही है, उसको चिकना कर रही है, ये सब देख देख करके वो पागल हुआ जा रहा था। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। चिल्लाता है गा गा अपने पक्षियों की भाषा में और उससे बोलता है कि अरे मुझे, अपनी माँ से कहता है कि मुझे कुछ खाने की भीख दे दो। गा कोल आ, शी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट। अब क्या करती है? वो चिल्लाता है गा 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 ऐसे करके, वो कुछ साइन लैंग्वेज अपनी पक्षियों वाली बोलता है कि मुझे कुछ खाने को दे दो। उसकी माँ क्या बोलती है? गा कोल आह ऐसा करके बोलती है और चिल्लाती है, लेकिन फिर भी वो बार बार बोलता रहता है। और तब क्या होता है, उसने देखता है कि उसकी माँ जो है वो फिश का एक टुकड़ा लेकर के उसकी ओर उड़ के आ रही होती है। अब क्या माँ उसको फिश का टुकड़ा दे देती है? इसको अपना एगरली टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम शी हेल्टेड हर विंग्स मोशनलेस द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक। अब क्या होता है, उसकी माँ फिश का एक टुकड़ा लेकर उड़ती है, तब वो नन्हा यंग सीगल जो रहता है वो बहुत उत्सुकता से उसकी तरफ देखता है और चट्टान पे अपने पैरों को ऐसे टैप 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 करता रहता है, शायद कि माँ उसके पास आ जाए। लेकिन जैसे ही माँ उसके पास आती है उसके बाद वो तुरंत उससे अपोजिट होकर उड़ जाती है, मतलब शी हाल्टेड, वो वहां दूसरी जगह रुक जाती है, वो पंख उसके मोशनलेस हो जाते हैं और उसमें जो मुंह में फिश का टुकड़ा पकड़ा हुआ वो उसकी चोंच तक नहीं पहुंच पाता। मतलब माँ फिश के टुकड़े को लेकर उड़ती है, उसको लगता है माँ मेरे पास आ रही है, और उसी बीच माँ क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन में उड़ जाती है और वो चोंच ऊपर उठाता ही है कि माँ मेरे उस मुंह में फिश का टुकड़ा डालेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज वॉन्डरिंग वाई शी डिडंट कम नियरर एंड देन मैडेंड बाय हंगर ही डाइव्ड एट द फिश विथ अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इन टू स्पेस देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल। अब क्या होता है, वो बहुत आश्चर्यचकित होते हैं, क्यों हो रहा कि माँ मुझे मेरे पास नहीं आ रही है, माँ को मेरे पास आना चाहिए। वो मैडेंड यानी बहुत भूख से पूर्णतया पागल जैसे हो जाता है और वो फिश को पकड़ने के लिए बहुत कोशिश करता है, बहुत तेजी से चिल्लाता भी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि उसके दिमाग में मॉन्स्टर टेरर यानी भयावह रूप से जो डर रहता है वो उसको उसके हृदय में रहता है और वो आगे उस चीज से नहीं निकल पाता। ही कुड हेयर नथिंग बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड। वो कुछ भी नहीं सुन पा रहा होता, उसको इतनी तेजी से भूख लगी हुई होती है, लेकिन एक अगले ही पल में क्या होता है, उसको लगता है कि उसके जो विंग्स हैं, उसके जो पंख हैं, वो स्प्रेड आउटवर्ड्स यानी बाहर की तरफ उसके जो पंख हैं वो कैसे हो रहे हैं, फैलना चालू हो रहे हैं। द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज बेस्ट फेदर्स, और जो हवा है वो उसके छाती
छाती में यानी उसके जो ब्रेस्ट है उसमें जो फैदर जो पंख लगे हुए हैं उसके तरफ अंदर आती जा रही है, देन अंडर हिज स्टमक और उसके पेट के अंदर भी आ रही है, एंड अगेंस्ट हिज विंग्स और उसके पंखों की विपरीत दिशा की ओर जा रही है। मान ली पंख इस तरफ से दिशा में फड़फड़ा रहा है तो उससे विपरीत दिशा में हवा आ रही है। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी बट ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोअर्ड अपवर्ड्स। अब यहाँ पर देखो उसको ऐसा महसूस हुआ क्योंकि बहुत तेजी से भूख लगी, उसको फिश यानी खाने की बहुत तेजी इच्छा और पागलपन से उसके अंदर सवार हुआ कि मुझे फिश मिल जाए। तभी क्या होता है उसके पंख फैलना चालू हो जाते हैं, उसके फेफड़ों में उसके पेट में हवा भरना चालू होती है, मतलब पूरी तरह से वो किस चीज के लिए तैयार हो रहा है, यहाँ पर उड़ान भरने के लिए धीरे धीरे तैयार हो रहा है और हवा भी उसके पंखों के विपरीत दिशा में जा करके उसको सपोर्ट करने चालू हो रही है। लेकिन वो कैसा था, ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, डिजी यानी उसके अंदर थकान भरी हुई थी, थकावट उसको महसूस हो रही थी। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोअर्ड अपवर्ड्स, गा 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 कोल आ, हिज मदर स्विफ्ट पास्ट हिम हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम कर्वेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग। अब वो धीरे धीरे उड़ान भरने लगा और उसी के पास उसकी माँ, उसके पिता, उसके भाई, उसकी बहन भी उसके साथ साथ उड़ान भरने को तैयार थे और बीच बीच में वो क्या बोल रहा था, गा 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 कोल आ। ये चीज आप ध्यान रखना बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में आएगा। यहाँ पर धीरे धीरे वो बच्चा क्या है, अब वो उड़ान भरने लगा। इसका मतलब आपको समझ में आया है कि जब किसी चीज की हमको कमी होती है और तीव्रता से इच्छा होती है उस चीज को पाने की तो हमको वो चीज बनने लगती है। अभी तक उस नन्हे पक्षी को क्या हो गया था, उड़ान भरने में डर लग रहा था। क्यों लग रहा था, क्योंकि वो सोच रहा था कि मैं उड़ नहीं पाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा वगैरह वगैरह। लेकिन जब उसको खाना नहीं मिला ना, तब उसके अंदर एक पागलपन सा सवार हुआ और अपने आप उसने उड़ना सीख लिया। अब आगे देखें, देन ही कम्प्लीटली फॉरगेट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई एंड कमांडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोअर एंड कर्व स्पीकिंग श्रेली ही वॉज। अब क्या हुआ, धीरे धीरे वो पूरी तरह भूल गया कि वो कभी उड़ने में सक्षम नहीं था। वो अपने आप को खुद डाइव भी कर रहा था, अपने आप को संभाल भी रहा था लहरों की तरफ। ही वॉज नियर द सी नाउ फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम विथ लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट एंड ही टर्न हिज बीक साइडवेज एंड काउड अम्यूजली। अब यहाँ पे क्या है, अब वो कहाँ उड़ान भरते भरते समुद्र के पास पहुंच चुका था और वहां पर धीरे धीरे कर रहा था। तब वो देख रहा था कि समुद्र की छोटी छोटी लहरें जो थी, वेव्स जो थी, वो चोटियां हिलडुल रही थी और वो वहां पर आ चुका था। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, दे वर बेकोनिंग टू हिम कॉलिंग श्रीली, ही ड्रॉप्ड हिज लेग टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, हिज लेग सैंक इनटू इट, ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विथ हंगर एंड ही कुड नॉट राइज। अब वो अपने भाइयों, जिसके भाई बहन थे, क्या कर रहे थे, ऊंची ऊंची उड़ान भर रहे थे, आसमान में ऐसे गोला आकृति में चाप खींच रहे थे, वो सब चीजें वो करते हुए देख रहा था। उसने देखा कि उसके भाई बहन और उसके पेरेंट्स वगैरह हैं कैसे वो ग्रीन फ्लोर यानी समुद्र का जो हरा हरा पानी है उसमें किस प्रकार से अपने आप को एडजस्ट कर रहे थे। वो भी कोशिश कर रहा था लेकिन क्या है, वो थोड़ा डर गया था वहां पर और वो अपने पंखों को तेजी से फ्लैप करने लगा क्योंकि वो बहुत थक चुका था और भूख उसको बहुत तेजी से लगी हुई थी। नेक्स्ट देखिए बच्चों, बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज हिज फीट सैंक इन टू द ग्रीन सी एंड देन हिज बेली टच्ड इट एंड ही सैंक नो फर्दर फर्दर, ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग
praising him and their beaks were offering him scrap of dogfish. He had made his first flight. अब क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा जब वो समुद्र की लहरों के ऊपर अपने आप को स्टैंड किया ना, एडजस्ट कर रहा था, अपने पैरों को जमा रहा था, तभी क्या हुआ, धीरे धीरे उसने बहुत कठिन एक्सरसाइज, कठिन मुश्किलों के बाद उसके पैर उस ग्रीन सी के ऊपर जमने लगे और उसका जो बैली था, जो ये वाला पोर्शन, जो बैली पोर्शन था, वो भी उसको टच होने लगा और वो धीरे धीरे उसको फ्लोटिंग ऑन इट, धीरे धीरे तैरना सीख गया। और उसके बाद उसकी सारी फैमिली थी जो कि बहुत चिल्ला रही थी खुशी के मारे, उसकी प्रशंसा कर रही थी एंड उसको क्या कर रहे थे, उसकी चोंच में डॉग फिश के टुकड़े डाल रही थी कि हाँ तुम अब खा लो। इसका मतलब समझ में आया कि वो बच्चा जब वो उड़ान नहीं भर रहा था तो उसकी फैमिली ही उसको क्या कर रही थी, फटकार लगा रही थी, लेकिन जैसे ही उसने उड़ान भरना चालू की उसकी फैमिली उसको सपोर्ट करने लगी, उसकी प्रशंसा करने लगी और जहां वो भूखा था तो उसकी माँ उसको एक टुकड़ा भी नहीं दे रही थी और अब पूरी फैमिली के लोग मिलकर के उसके मुंह में डॉग फिश के टुकड़े डाल रहे थे। ही हैज मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस प्रकार उसने अपनी पहली उड़ान पूरी की। तो बच्चे ये थी पहली स्टोरी, नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड स्टोरी डिस्कस करेंगे।